हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। छात्रों और शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश का मिलेगा लाभ। जानकारी नहीं दे पाने पर प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध आरोप पत्र। आदेश के इंतजार में बीएसए दफ्तर में लगा रहे हैं हाजिरी। प्रसिद्धी विद्यालयों से गायब मिले शिक्षकों का रोका मानदेय। अभिभावकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल गुरु जी की सफाई। 15 दिनों से प्राथमिक स्कूल में पड़ा ताला। पुरानी भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नई से गायब। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ, 1 अक्टूबर से प्रसिद्धि विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 8:30 बजे से हो जाएगा। वहीं शाम 3:30 बजे तक छुट्टी की घंटी बज जाएगी। हालांकि बच्चों के लिए विद्यालय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा। जी हाँ, नई व्यवस्था के तहत प्रसिद्धि विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। अब छात्रों शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश का लाभ भी मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में इसके सापेक्ष कटौती की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षक आधा घंटे पहले और बच्चों की छुट्टी होने के आधा घंटे बाद तक स्कूल छोड़ सकेंगे। यानी सुबह शाम अतिरिक्त आधा आधा घंटा शिक्षकों के लिए है। इससे पहले सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय था। समय के बदलाव को लेकर विभाग में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार से शिक्षकों और छात्रों को शीतकालीन अवकाश की भी सुविधा मिलेगी। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इससे पहले प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को शीतकालीन अवकाश नहीं मिलता था, लेकिन इसकी वजह से ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिन की कटौती की जाएगी। नई व्यवस्था में शिक्षकों ने आधा घंटे पहले स्कूल खोलने और बंद करने को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय सिंह ने विरोध जताया और बताया कि सर्दियों के मौसम में अंधेरा जल्द हो जाता है। हरदोई, सीडीओ आकांक्षा राणा ने गुरुवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय फरदापुर और ब्लॉक कार्यालय सुरक्षा और मरसा में निर्मित अपनी वाटिका का औचक निरीक्षण किया। फरदापुर में प्रधानाध्यापक को आरोप पत्र जारी करने और सफाईकर्मी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जबकि ब्लॉक में मिली विभिन्न खामियों को दुरुस्त करने के लिए भी कहा। सीडीओ आकांक्षा राणा सबसे पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय फरदापुर पहुंची। वहां निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक शीला देवी शिक्षण कार्य की जानकारी नहीं दे पाई। इस पर सीडीओ ने बीएसए को उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। सफाईकर्मी सुनील कुमार के नियमित विद्यालय में सफाई न करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश डीपीआरओ को दिए। सुरसा ब्लॉक के निरीक्षण में कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक अपडेट न मिलने पर नाराजगी जताई और 1 सप्ताह में ही पासबुक अपडेट करने के निर्देश दिए। शादी अनुदान योजना के 28 आवेदन लंबित होने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई और कहा कि जल्द से जल्द जांच कर स्पष्ट आख्या के साथ जिला मुख्यालय भेजे जाए। सीडीओ ने ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिवों के साथ बैठक की व आसपास में समन्वय शिकार करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सुरक्षा का प्रभार संभाल रहे जिला अर्ध एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश भी मौजूद रहे। भदोही, लेट लतीफी कहीं जाए या फिर कुछ और कारण, चाहे जो भी हो, लेकिन परस्पर स्थानांतरण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जिलों से स्थानांतरित होकर जिले में आए 53 शिक्षकों को अभी तक विद्यालय आवंटन का इंतजार है। आदेश न होने से सभी बीएसए दफ्तर में हाजिरी लगा रहे हैं। उनका शिक्षण कार्य में उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। वह हाजिरी लगाकर कार्यालय परिसर में इधर उधर समय काटने के साथ वापस हो रहे हैं। अपने मनचाहे जनपद में पहुँचने के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के साथ स्थानांतरण व्यवस्था के तहत भी शिक्षक एक दूसरे से जिले में स्थानांतरण करा सकते हैं। परस्पर स्थानांतरण के लिए दी गई सुविधा के चलते कुल 53 शिक्षक मार्च में ही अपना स्थानांतरण कराकर जिले में आए हैं। अब देखा जाए तो 7 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें विद्यालय का आवंटन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में वह केवल ऐसे कार्यालय पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं, तो इनकी शिक्षण क्षमता का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। उधर स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वैसे इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि विद्यालय आवंटन ऑनलाइन शासन स्तर से किया जाना है। अब क्रम और प्रक्रिया शुरू की गई है। जैसे ही आदेश आता है शिक्षकों को विद्यालय के लिए भेज दिया जाएगा। औचक निरीक्षण में प्रसिद्धि विद्यालयों से गायब मिले शिक्षकों का रोका मानदेय। बदायूं, बीएसए डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को उझानी के प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी नगला का निरीक्षण किया। यहां पर तैनात सहायक अध्यक्ष सरिता और रिजवान सैफी बिना किसी सूचना पर गैर हाजिर मिले। बीएसए ने इसका मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा। अमेठी, बहादुरपुर ब्लॉक क्षेत्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय उदारी में तैनात शिक्षक के हर रोज स्कूल देरी से आने से आज ही अभिभावक बृहस्पतिवार को स्कूल पहुंच गए। स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं थे। बच्चों ने पूछा तो पता चला गुरुजी तो प्रतिदिन 9 से 10 बजे के बाद ही आते हैं। इसका वीडियो बनाकर अभिभावकों ने वायरल कर दिया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय उदारी में तैनात अध्यापक देवेंद्र शर्मा की तैनाती है। वह हर रोज स्कूल में देरी से पहुंचते हैं। इससे परेशान अभिभावकों ने बृहस्पतिवार को स्कूल पहुंचकर इसका वीडियो बना लिया। बच्चों से बातचीत की तो पता चला कि गुरुजी रोज 9 बजे तक आते हैं, कभी कभी उससे पहले व बाद में भी आते हैं।
बच्चे यह भी कह रहे थे कि गुरुजी ने कहा कि कोई स्कूल का वीडियो बनाए तो उसे ईंट पत्थरों से मारना पीटना शुरू कर देना। बच्चों ने बताया कि गुरुजी ने कहा कि किसी के पूछने पर बता देना कि दूध केला सब मिलता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं मिलता। ग्रामीणों का आरोप है कि 60 बच्चों में कभी आधा किलो दाल पकाई जाती है, तो कभी फल में प्रति बच्चों को आधा केला दिया जाता है, तो हो जाती है देरी। वायरल वीडियो के बारे में शिक्षक देवेंद्र शर्मा का कहना है कि विद्यालय में 80 बच्चे नामांकित हैं, इसके सापेक्ष 45 से 60 बच्चे उपस्थित रहते हैं। कहा कि विद्यालय में अकेला हूँ, शिक्षक हूँ, एमडीएम से लेकर अन्य सभी जिम्मेदारी होने की वजह से विद्यालय आने में देरी हो जाती है। पहले भी मिली है शिकायत। बीईओ राकेश आचार्य ने बताया कि अध्यापक के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिली हैं। कहा कि अब स्वयं जाँच करूंगा, अनियमितता मिली तो कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र लिखा जाएगा। वायरल वीडियो के संबंध में जवाब मांगा जाएगा। 15 दिनों से प्राथमिक स्कूल में पड़ा ताला। अमेठी ब्लॉक भेटुआ के घाटमपुर स्थित प्राथमिक स्कूल परिसर में अतिवृष्टि का पानी अभी तक जस का तस है। जल भराव के कारण पठन पाठन कार्य में बाधा आ रही है। सूचना के बावजूद स्थानीय प्रशासन जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर रहा। ऐसे में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में अतिवृष्टि के चलते जलभराव की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। ब्लॉक भेटुआ के घाटमपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय व परिसर में बीते 15 दिनों से जलभराव की समस्या बनी है। परिसर में भरे बारिश का पानी दूषित होने से बदबू फैल रही है। ऐसे में संक्रामक बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन स्तर पर अभी तक विद्यालय में जमा पानी को निकलवाए जाने की कोई कवायद नहीं की गई है। जल भराव व इससे उपजी समस्या के कारण विद्यालय परिसर में पठन पाठन की व्यवस्था पूरी तरह बाधित है। विद्यालय में पंजीकृत हैं 107 बच्चे। प्राथमिक विद्यालय घाटमपुर में 107 बच्चे पंजीकृत हैं। विद्यालय में प्रधानाध्यापक उमेश कुमार त्रिपाठी के अलावा एक सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र तैनात हैं। शिक्षा मित्र की ड्यूटी आए दिन कोविड वैक्सीनेशन में लग जाती है। चलाई जा रही मोहल्ला पाठशाला बीईओ संतोष कुमार ने बताया कि विद्यालय में जलभराव की समस्या बड़ी है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। बताया कि मोहल्ला पाठशाला व ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कहा कि विद्यालय परिसर से पानी निकलवाने का अनुरोध वीडियो व एसडीएम से किया गया है। एक तरफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी सभी विज्ञप्तियों भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस लोगों को आरक्षण देने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में इस आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, जबकि यह भर्ती इसी मार्च में शुरू हुई है। अब कोर्ट ने विभाग को पात्र आवेदनकर्ताओं को यह लाभ देने का निर्देश दिया है। विभाग ने सभी जिलों को तो विज्ञापन जारी करने का प्रारूप जारी किया, उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र नहीं था। इसे लेकर अभ्यर्थियों में रोष था। वहीं कई जिलों के अधिकारियों ने विज्ञापन जारी करने से मना कर दिया। इसके बाद भी विभाग ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया और जिलों के अधिकारियों पर विज्ञापन जारी करने का दबाव बनाया। अधिकारी चाह रहे थे कि विभाग लिखित रूप से स्पष्ट करे कि आरक्षण के मामले में क्या किया जाना है, लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।